फ्रेंड्स, अंजुस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चॉकलेट कुका। चॉकलेट कुका बच्चों को बहुत पसंद आता है और बच्चे तो क्या, मुझे भी बहुत पसंद आता है। तो चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए मुझे चाहिए 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 6 स्कूप्स चॉकलेट आइसक्रीम, हर्षी सिरप, 1 टीस्पून कॉफ़ी, 4 टेबलस्पून ये कोको पाउडर जो मैं कैडबरी कंपनी के लिए हूँ, और ये डार्क चॉकलेट कंपाउंड मुझे 1 पीस चाहिए, और ये 1/2 कप शुगर। और डेकोरेशन के लिए मुझे चाहिए वनीला आइसक्रीम, और ये वेफर स्टिक्स जो मैं ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और ये चॉकलेट फ्लेवर के लिए हूँ, और ये डेकोरेशन के लिए मैं 2 पैकेट मिल्क ली हूँ। सबसे पहले मैं एक पैन लूँगी जिसमें ये दोनों पैकेट को मैं पहले उबालूँगी। इसे बॉईल होने के लिए मैं रख रही हूँ। जब तक दूध उबल रहा है तब तक मैं ये 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर मैं इस बॉल में निकाल ली हूँ। जब ये मिल्क हल्का गर्म होए तभी मैं इसे इसमें थोड़ा सा दूध निकाल लूँगी, और तब तक के लिए मैं इसे मिक्स कर लूँगी। अगर मैं ज़्यादा गर्म दूध लूँगी तो इसमें लम्प्स आ जाएगा, इसलिए मैं इसे हल्का गर्म लूँगी। जब तक दूध गर्म हो रहा है मैं इस ये चॉकलेट जो कंपाउंड है इसके एक टुकड़ा ये मैं ले रही हूँ। अगर आपके पास आप चॉकलेट कंपाउंड नहीं है तो आप कोई भी चॉकलेट कैडबरी या कोई भी आप ले सकते हैं। इसे मैं नाइफ से थोड़ा छोटा टुकड़ा कर लूँ ताकि ये जल्दी मेल्ट हो जाए। देखिए दूध में बॉयल आ गया है। अब मैं इसके फ्लेम को कम कर लूँगी, और जो मैंने ये कॉर्नफ्लोर की गोल तैयार कर रखी हूँ इसमें बिल्कुल भी लम्प्स नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही हल्का गर्म दूध यूज़ किया, तो देखिए बिल्कुल भी लम्प्स नहीं है। अब मैं इसमें धीरे धीरे मिक्स करूँगी, और कभी भी आप कॉर्नफ्लोर मिक्स करें तो कंटिन्यूसली चलाते रहें, नहीं तो इसके तली में बैठ जाएगा और ये जल जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं इसे थोड़ा थिक बनाने वाली हूँ, थोड़ा गाढ़ा बनाऊँगी। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा पतला बनाना है तो आप ये कॉर्नफ्लोर की मात्रा कम कर दीजिए। और इसी के साथ अब मैं जो वो शुगर ले रखी थी मैं शुगर भी डाल दूँगी। आपको मीठा अगर कम पीना है तो आप इसे थोड़ा कम कर दें। और साथ में ही मैं ये जो चॉकलेट ये कट कर रखी हूँ ये या तो आप कोई भी कंपनी की ले लें, मोर्डे कंपनी या ड्यूक कंपनी या फिर कैडबरी, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ये मैं यहाँ डाल रही हूँ, ये डार्क चॉकलेट है। देखिए ये धीरे धीरे ठीक होने लग गया है, इसलिए मुझे ये कंटिन्यूसली चलाना पड़ेगा। इसे मैं लो फ्लेम में 1 मिनट के लिए रखी हूँ। देखिए ये पूरा ठीक हो गया है। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ। ये तैयार हो गया है। इसे मैं नॉर्मल टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए फिर आप इसे 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए फिर हम लोग इसके आगे का प्रोसेस करेंगे। चलिए सबसे पहले मैं ग्लास का डेकोरेशन कर लेती हूँ। इसके लिए ये मैं चॉकलेट को ऐसे बाउल में निकाल ली हूँ, और सबसे पहले ये ग्लास को ऐसे डिप करेंगे। ये देखिए, और इसमें मैं जो डेकोरेशन के लिए रखी हूँ इसके ऊपर ये देखिए। अब मैं ये स्पून से ऐसे चॉकलेट लूँगी और एक ही जगह पे ऐसे गिराऊंगी। ये देखिए मेरा ये ग्लास तैयार हो गया है। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख दे रही हूँ। ये मिक्सचर जो मैं तैयार कर रखी थी देखिए कितना गाढ़ा हो गया है।
अब मैं इसे आगे का प्रोसेस करूंगी। अब मैं इसमें मिक्स करूंगी 1 टीस्पून कॉफी और 4 टेबलस्पून ये कोको पाउडर। इसे पहले स्पून से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, अब इसे हम लोग ब्लेंड कर लेंगे। अब मैं इसमें 6 स्कूप ये आइसक्रीम डालूंगी। इसे फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास ब्लेंडर ना हो तो आप इसे मिक्सी में भी मिक्स कर सकते हैं। ये हमारा कुका तैयार हो गया है। अब मैं इसे ग्लास में सर्व करती हूँ। अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा थिक, मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल सही बना है। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा ये थिक हो गया है तो आप फिर ये थोड़ा ठंडा दूध इसमें मिक्स कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। मेरा ये ग्लास बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब मैं इसमें ये कुका फील करूँगी। आपको बहुत ही केयरफुली फील करना है। ऐसा आप इसे ग्लास में डालने के पहले एक बार अच्छे तरह से इसे मिक्स कर लीजिए। इसे मैं थोड़ा कम फील करूंगी क्योंकि मुझे इसके अंदर अभी आइसक्रीम डालना है। अब मैं 1 स्कूप फुल इसमें आइसक्रीम डाल रही हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा हर्षी चॉकलेट। और ये मैं वेफर्स लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। बाय बाय।